दोस्तों इंस्टाग्राम की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 20 से ज्यादा आप एक साथ म्यूजिक को अपने रील्स में यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टी म्यूजिक को आप यूज कर सकते हैं, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा था? पता तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। उसका नाम है 6 डिग्री। ये जो है 1997 में लॉन्च किया गया था, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको ये चीज पता है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स मॉर्निंग में। काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया आज का, जरूर देखिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल के नॉट 4 आपको कैसा लगा, तो 63% लोगों ने कहा कि एवरेज लगा, 25% लोगों ने कहा कि अच्छा लगा, और कुछ 13% लोग हैं जो बोलते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड। वैसे हम प्राइस देखकर मुझे भी लगा कि नॉट इंटरेस्टेड। आपको जो भी लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। पहली अपडेट के तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। और इस बार हम नहीं बोलेंगे, आप खुद ये स्लोगन देख लीजिए। व्हाट्सएप लाया तगड़ा फीचर्स, यार दोस्त गर्लफ्रेंड के कॉल आप मिस नहीं कर पाएंगे, ऐसा फीचर्स लाया। तो हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स है जिन्होंने ऐसा कहा है। तो ये फीचर्स का नाम है फेवरेट फीचर्स, जिसमें आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट है उसको फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं और उसका मैसेज कभी आपसे मिस नहीं होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे आप किसका नंबर डालेंगे, मतलब अकाउंट डालेंगे इसमें फीचर्स में, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है यूपीआई ऐप की तरफ से। ऐसा बताया गया है कि कल के दिन में इंडिया में यूपीआई ऐप जो है वो थोड़ा सा डाउन पड़ गया था, जिसमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम और भी जो भी होते हैं वो सारे यूपीआई पेमेंट जो है थोड़ा ठप हो गए थे, और ये इंडिया का जो सर्वर है यूपीआई का वो थोड़ा देर के लिए क्रैश हुआ था, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है डायमेंसिटी 7350। ये है एक मीडिया टेक का नया चिपसेट, जो डायमेंसिटी 7300 का अपग्रेडेड वर्जन है जो लॉन्च हो गया है। आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है लावा लीजेंड गेमिंग फ्लिपकार्ट में लिस्ट हो गया है, और इस टाइप का प्राइस जो बताया जा रहा है वहां पर लिखा है 65,000 रुपए। इतना महंगा क्यों और इसमें क्या खास होगा आप बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है पासपोर्ट के तरह थ्रू। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप डिजी लॉकर यूज करते हैं, तो डिजी लॉकर में अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट है तो आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट वहीं से ही आपका जो भी चीज़ रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड रहेगा वो ले लेगा। तो इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे इससे स्कैम हो सकता है या नहीं आपके हिसाब से कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है गूगल आईओ 2022 या फिर 2024। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है लॉन्च होने वाला है, मतलब इसका ऑक्शन होने वाला है जो बैंगलोर में होगा, और इसकी डेट अभी आई नहीं है, बस टीज़र आई है। आपको क्या लगता है AI के ऊपर कुछ बातें होगी इस बार गूगल आईओ 2024 के ऊपर, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है बोट का एक सबसे सस्ता फिंगर रिंग लॉन्च कर दिया गया है, जिसका प्राइस है 3,000 रुपए। लेना चाहेंगे SPO2 वगैरह सब कुछ बताएगा, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है डेल कॉपिलोट X3 SP3 के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर देखा गया है, जो स्नैपड्रैगन X1 एलीट है, और इसका प्राइस आया है 1,39,000 रुपए से ये शुरू होता है। आपको जो भी लगता है रिलेटेड कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि गूगल एप्पल जो है एक साथ मार कर लिया है, मतलब उनके ऊपर विवाद हुई है, वो इसलिए कि गूगल क्रोम को अब रखा जाएगा एप्पल में या नहीं, इस पे विवाद चल रहा है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का, तो नॉब गेमिंग का सवाल है रजा भाई, UI 6.0 कब तक आएगा? ये जो है नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा रियलमी UI 6.0। उसके बाद रियलमी 12 प्रो प्लस में हमें नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो इस तरह का कुछ आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। ऐसा बताया जा रहा है कि गीगवेंच पे ये लिस्ट हो गया है रेडमी नोट 14 के ऊपर, रेडमी नोट 14 प्रो, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है रेडमी पैड SE की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को ये लॉन्च होगा इंडिया में, इस तरह की कुछ अपडेट है। जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi का Mix Flip 3, इसका फर्स्ट लुक आ गया जो आप देख सकते हैं, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है रियलमी 13 प्रो के ऊपर से। ऐसा बताया जा रहा है कि टीना में ये लिस्ट हो गया, गीकबेंच में भी लिस्ट हो गया, देखने में कुछ इस तरह का है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M35 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है ये लॉन्च हो गया है एक्सिनोस का 1380 प्रोसेसर के साथ, 50:8 का रियर कैमरा, 13 का सेल्फी कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग, और इसकी प्राइस आई है 19,999 रुपए। लेना चाहेंगे आप ये फोन, आपको कैसा लगा एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज के साथ, जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि LPDDR5XL RAM जो है उन्होंने बना दिया है, और ये सपोर्ट करेगा
और ये सपोर्ट करेगा डायमेंसिटी 9400 के साथ। इस तरह की कुछ अपडेट आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है वीवो का V40 और V40 Pro के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त में ये फोन लॉन्च हो जाएगा और काफी जबरदस्त रहेगा जैस कैमरा सेंसर के साथ। जो भी लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है OnePlus का Note 4 लॉन्च हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस है 29,999 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर, 5808 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5500 mAh की बैटरी, 100 वाट का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है ये फोन आपको कैसा लगा इस प्राइस टैग के साथ कमेंट में जरूर बताएं। उसी के साथ ही साथ इनका पैड 2 भी लॉन्च हो गया है जो 12 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। 3K रेजोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 वाला प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है, 13K 8 का सेल्फी और 9510 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग। इसकी प्राइस जो आई है 40,000 रुपए लेना चाहेंगे आप, ये टैब आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। उसी के साथ ही साथ लॉन्च हो गया है OnePlus का Watch 2R और OnePlus का Note Bud 3 Pro। ऐसा बताया जा रहा है कि जो Watch 2R है 17,000 का है और Note Bud 3 Pro जो आया है 3299 रुपए का है। कैसा लगा ये आपको प्राइस, और इस प्राइस में ये ओवर प्राइस लग रहा आपको? मुझे जो स्मार्ट वॉच है वो थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। अगली अपडेट आ रही है Pixel 9 Pro के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि Google Pixel 9 Pro Fold इसका फर्स्ट लुक आ गया है जो आप देख सकते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Honor के तरफ से। Honor का 200 जो है फोन, ऐसा बताया जा रहा है 41 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा क्योंकि 100 वाट फास्ट चार्जिंग और ये लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ आएगा। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है CMF फोन 1 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है नया अपडेट आया, तो देखिए अपडेट करके इसमें क्या चीज मिल रहा है कमेंट में जरूर। अगली अपडेट और लास्ट अपडेट आईटेल की तरफ से। आईटेल कलर प्रो इसका फर्स्ट लुक आ गया है जो 2 कलर पे है, और खास बात यह है कि ये सबसे सस्ता फोन बनेगा जो बैक कलर चेंजिंग कलर के साथ आएगा। इस तरह की कुछ अपडेट आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में। दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।